उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ताज एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के सिर सजने जा रहा है। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया और इसी के साथ सूबे में सीएम पद को लेकर चल रहे सारे कयासों पर विराम लग गया। खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को फिर से राज्य की सत्ता की कमान सौंपी गई है। हालांकि ये बीजेपी में एक नई संस्कृति कही जा सकती है, जहां हारे हुए नेता को भी दोबारा सीएम बनाने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद आखिरकार क्यों बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया है और अब उन्हें कहां से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। सबसे पहले जानते हैं वो पांच वजहें जिसके कारण उनके सिर फिर से सजने वाला है ताज। सबसे पहली वजह है, धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी थी। धामी भले ही खुद चुनाव हार गए पर बीजेपी को जिता गए। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार किसी सत्ताधारी पार्टी को राज्य में दोबारा अपनी सरकार बनाने में सफलता मिली। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से उबार ले गए और पार्टी 47 सीटें जीतने में भी धामी की वजह से ही कामयाब रही। युवा नेतृत्व को खड़ा करने का प्लान। पुष्कर सिंह धामी की उम्र 46 साल है। सीएम बनने के बाद से उन्होंने सूबे में अपनी अलग पहचान बनाई। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड में अगली पीढ़ी का नेतृत्व विकसित करना चाहती है और पुष्कर सिंह धामी को पार्टी एक युवा चेहरे के रूप में देखती है, जिसके चलते उन्हें दोबारा सत्ता की कमान सौंपी गई। संघ का बैकग्राउंड और ईमानदार छवि। पुष्कर सिंह धामी आरएसएस के आंगन में पले बढ़े और एबीवीपी से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। वो दो बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बेहद विनम्र स्वभाव के हैं और पार्टी के हर कार्यकर्ता के पहुंच में वो माने जाते हैं। इसके अलावा धामी ईमानदार छवि वाले नेता हैं, जिन पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कम समय में खुद को किया साबित। बीजेपी की 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आने के बाद दो मुख्यमंत्री को बदलने के बाद पुष्कर सिंह धामी की हुई थी ताजपोशी और इस तरह धामी को उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारी के लिए केवल 6 महीने का वक्त मिला था। उन्हें शासन करने के लिए और अधिक समय देना चाहती है बीजेपी, जिसके चलते उन्हें हार के बाद भी सीएम बनाया गया है। सियासी समीकरण में फिट बैठते हैं धामी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड सियासी समीकरण का मिजाज को समझते हुए पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से सीएम बनाने का फैसला किया। धामी पहाड़ी क्षेत्र के ठाकुर समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की है। पुष्कर सिंह धामी की 23 मार्च को ताजपोशी है, लेकिन अब उन्हें 6 महीने के अंदर ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। उनके विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बड़ा सवाल ये है कि वो अब किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक धामी डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इस सीट पर बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल ने जीत हासिल की है। हालांकि 5 अन्य विधायक भी उनके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। जो 5 विधायक उनके लिए अब तक अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उनमें चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर के मोहन सिंह मेहरा, लालकुआ के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, रुड़की के प्रदीप बत्रा और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य विधानसभा सीटों से भी उनके चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा खूब है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।